दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo i27 मोबाइल में स्मार्ट कॉलिंग सेटिंग को यूज कैसे किया जाता है। तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, स्मार्ट मोशन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, स्मार्ट कॉलिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, तो चारों ऑप्शन के बारे में मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है स्मार्ट आंसर का, अगर स्टिक को आप ऑन करोगे और अगर आपके मोबाइल में कॉल आ रही है, जैसे ही अपना फोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों कॉल रिसीव हो जाएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलता है स्मार्ट स्विच का, अगर स्टिक को आप ऑन करोगे, उसके बाद अगर आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और जैसे ही अपना फोन कान के पास ले जाओगे, तो ये दोस्तों ये जो स्पीकर होता है इससे आवाज़ आने लगेगी, यानी रिसीवर से आवाज़ आने लगेगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्मार्ट म्यूट का, अगर स्टिक को आप ऑन करोगे और अगर आपके मोबाइल में इनकमिंग कॉल आ रही है और जैसे ही अपना मोबाइल आप हाथ से ढक दोगे या पलट कर मोबाइल रख दोगे, तो दोस्तों जो रिंगटोन बज रही थी वो स्टॉप हो जाएगी, यानी रिंगटोन म्यूट हो जाएगी। उसके बाद चौथा ऑप्शन है वैन टू हैंड फ्री का ऑप्शन, अगर स्टिक को आप ऑन करोगे और 2-4 सेंटीमीटर से अगर आपने मोबाइल को इस प्रकार से हाथ किया, तो दोस्तों जो है आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी और हैंड्स फ्री पर बात होने लगेगी। तो इस प्रकार से आप स्मार्ट कॉलिंग सेटिंग को यूज कर सकते हैं।